एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सपना सिखावत, तो स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, और एक्चुअली आजकल सब लोग इस आम समस्या से ग्रस्त हो रखे हैं। या सो देखिए, आजकल चल रहा है सर्दियों का मौसम, और सबके हेयर में जो है डैंड्रफ हो गया है, और ये एक आम समस्या है। मुझे भी हो गया था, बट मैंने उसको ओवरकम कर लिया है। वो मैंने कैसे किया है, सो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी जो मैंने रेमेडीज यूज़ की हैं वो सब आप यूज़ करें, और अपने बालों को जो है हमेशा के लिए डैंड्रफ फ्री कर दें। सो मैं आपको यहाँ से वीडियो में 3 से 4 होम रेमेडीज बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने हेयर्स को जो है स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, उसके साथ अपने जो हेयर्स हैं उनको डैंड्रफ भी बना सकते हैं। सो कुछ भी पैसा नहीं लगना है, सिर्फ घर में जो चीज़ें होती हैं वो आपको यूज़ करनी है, और आसानी से आपके जो सर में से जो डैंड्रफ निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमें डैंड्रफ क्यों होता है। तो हमारे जो हेयर होते हैं, उनकी जो स्कैल्प होती है, जो जड़ें होती हैं, उस पर क्या होता है, गुड बैक्टीरियाज भी रहते हैं और एक टाइप का फंगस भी रहता है, ठीक है। लेकिन सर्दियों का मौसम क्या होता है, ड्राई मौसम होता है, जिसकी वजह से जो है हम वूलन्स के कपड़े पहनते हैं, अपने वूलन्स के कैप लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अपर लेयर होती है स्कैल्प की वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। या फिर दूसरा रीजन होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने हेयर्स को वॉश करते हैं, तो उससे भी जो अपर लेयर होती है हमारी स्किन की वो निकलने लग जाती है, जिससे व्हाइट कलर के फ्लेक्स फॉर्म बन जाती है, छोटे छोटे एक व्हाइट कलर के आपको देखते होंगे वो बन जाता है। So, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैंड्रफ बोलते हैं, ठीक है। अब डैंड्रफ बन गया, इसके और कारण भी हो सकते हैं, आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो नॉर्मल डैंड्रफ होना बहुत आम बात है, सब लोगों को हो जाता है सर्दियों में। अगर आपको ज्यादा डैंड्रफ हो रखा है तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये एक फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो उसमें होता क्या है, जब हमारे जो हेयर होते हैं ये बहुत ही ज्यादा, मतलब थोड़े अमाउंट में ऑयल भी सीक्रेट करते हैं। जैसे आप लोगों को फील भी होता होगा कि जैसे हम लोगों ने हेयर वॉश किया, उसके नेक्स्ट डे सर्दियों में ऐसा लगता है कि हमने तो हेयर वॉश किया ही नहीं है। सो बहुत गंदा गंदा सा लगता है, थोड़ा सा ऑयली ऑयली से हमारे हेयर हो जाते हैं, ऑयल लगाए बिना ही। सो वो किस वजह से होता है, हमारी जो हेयर ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक थोड़ा सा ऑयल सीक्रेट करती है, जिसका नाम होता है सीबम, ओके। अब वो जब ऑयल सीक्रेट होता है तो वहाँ जो फंगस रहता है उसको मिल गया है खाना, तो वो जो ऑयल होता है वो उस फंगस के लिए खाना होता है। तो जैसे उसको खाना मिलता है वो ज़्यादा 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 ग्रो करने लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम दिन भर खुजाते रहते हैं अपने हेयर्स को, इधर खुजाया उधर खुजाया, और ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही गंदा सा लगता है कि किसी के सामने भी अगर हमें इचिंग हो जाती है तो हम क्या करें, तो हमें वो करना पड़ता है कि भाई इधर इचिंग हो रही है हमारे। सो किसकी वजह से होती है, डैंड्रफ की वजह से होती है। दूसरा, डैंड्रफ की वजह से क्या होता है, पिंपल्स आने भी स्टार्ट हो जाते हैं। यस, जैसे हमने इचिंग किया और उस जगह इचिंग किए हुए फिंगर से हमने अगर अपने फेस को टच किया है, तो वहाँ पर भी जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो करेंगे, और उसकी वजह से हमें पिंपल्स भी आ सकते हैं। So, आप लोगों को करना क्या है, मैं यहाँ पे आपको 3 से 4 रेमेडीज बताऊंगी, तो आप उनमें से कोई भी करेंगे तो आपके हेयर जो है डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप लोग गांव में रहते हैं, शहरों में नीम के पत्ते मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, सो गांव के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी रेमेडी है। उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़े से जो नीम होता है उसके पत्ते चाहिए, ठीक है। अब उन पत्तों को क्या करना है, आपको एक पतीले में डाल के उनको पानी डाल के रख देना है, रात भर उनको भिगो के रखना है, सुबह उनको 2-4 मिनट उनको पानी को बॉईल करके, और जो पानी जो है उसका नीम वाला, वो अपने जड़ों को, अपने बालों की जड़ों में ऐसे 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 करके मसाज कर लेनी है, और जो बच गया पानी उसी से आपको हेयर वॉश करना है। आपको 2 से 3 मिनट जो है लगा के रखना है वो पानी जो आपने लगाया, आप कॉटन की हेल्प से उसको लगा सकते हैं, या फिर अपनी जो टिप होती है फिंगर्स की उससे भी आप उसको हल्के हल्के मसाज कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो नीम होती है वो एंटीबैक्टीरियल काम करती है, सो एंटीफंगल काम करती है, तो जो बैक्टीरिया पे फंगस जब वहाँ पे आ गया है तो उसको वो क्या करेगी, नीम वहाँ से उसको निकाल देगी, और आपके जो हेयर होंगे वो उसके डैंड्रफ फ्री होंगे, उसके साथ साथ वो स्मूथ भी बन जाएंगे। दूसरी होम रेमेडी क्या है, आपको 2 से 3 चम्मच लेनी है मेथी के दाने, या जो मेथी के दाने होते हैं वो सूखी मेथी हमें वो लेनी है और उसको भिगो देना है रात को। रात को भिगो देने के बाद सुबह जो पानी है उसी के साथ उसको हमें ग्राइंड कर लेना है, मतलब कि मिक्सी में हमें उसको पीस लेना है और उसको इतना मतलब पेस्ट बना लेना है कि वो हमारे हेयर्स में लग सके। सो हमें क्या करना है, हमने पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के उसको थोड़े थोड़े को लेना है, और हमें ऐसे ऐसे अपने बालों में जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको डैंड्रफ हुआ है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। आप अपने घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। सो आपको बालों के ऊपर नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वो जड़ों में लगाना है आपके बालों की, और उसको हल्का सा मसाज कर लेना है 2 से 4 मिनट। उसके बाद में आपको हेयर बन बनाना है, ये लेडीज़ की भी अगर है तो, और जिनके छोटे बाल होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आपको पेस्ट लगाने के बाद आपके बन बना लेना है, उसके 30 मिनट्स बाद आपको हल्के निवाए पानी से, मतलब हल्का जो गुनगुना पानी होता है उससे आपको हेयर वॉश कर लेना है अपने फेवरेट शैम्पू के साथ, ओके।
सो शैम्पू की हमें कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप कौन सा शैम्पू यूज करेंगे. सो आप जो रेगुलर वे में अपना हेयर वॉश करते हैं उसी तरीके से आप अपने जो है हेयर को वॉश कर लेंगे, ठीक है. और सबसे स्पेशल जो मेरी फेवरेट है जो मैं यूज करती हूँ वो क्या है, आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, एक कटोरी लेनी है, उसमें अपना जो है ऑयल डाल लेना है. ऑयल जो आप यूज करते हैं वो मैं जो यूज करती हूँ मैं अपना डाल लूंगी, ठीक है. या फिर आपको क्या करना है, आप अगर मेरी माने तो आपको या तो मस्टर्ड ऑयल लेना है, मतलब कि सरसों का तेल लेना है, या फिर आप ले सकते हैं नारियल का तेल. नारियल का तेल सर्दियों में बेस्ट होता है. और या फिर आप ले सकते हैं बादाम का तेल. तो इन तीनों में से एक ऑप्शन है आपके पास. इनमें से आपको 3 से 4 चम्मच जो है तेल लेना है. आपको क्या करना है, एक नींबू कट करना है. हाँ जी, नींबू. सो उसको कट करने के बाद उसके बीज निकाल के हमें जो सारा रस होता है नींबू का वो उस बाउल के अंदर डाल लेना है. अब वो जो तेल और जो नींबू का मिक्सर है उसको स्पून से ऐसे डिजोल करके उसको मिला के आपको कॉटन की हेल्प से या अपनी फिंगर टिप से उसको थोड़ा थोड़ा लेना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए पूरे हेयर्स की स्कैल्प पे लगा लेना है. आपको याद रखना है हमने ईचिंग कर करके हमने वहाँ की स्किन को उतार दिया है, क्योंकि जब डैंड्रफ होता है तो बहुत ज़्यादा ईचिंग चलती है, उससे गंदी स्मेल भी आने लगती है हेयर्स में, जो बहुत डिस्कस्टिंग लगता है. सो आपको क्या करना है, इस जो ये लेमन वाली रेमेडी है इससे आपको थोड़ी देर के लिए इरिटेशन भी हो सकती है, या क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है. सो जब वो आपको एक जख्म या घाव पे लगेगा तो आपको उसको 2-4 मिनट के लिए इरिटेशन हो सकती है. सो आपको याद रखना है कि छोटे बच्चों के ऊपर ये रेमेडी यूज़ ना करें. जो लोग दर्द सहन कर सकते हैं, मतलब 10 साल से ऊपर के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. सो आपको क्या करना है, लेमन और जो ऑयल का जो हमने डिजोल बनाया था उसको अपने फिंगर टिप्स से ऐसे ऐसे मसाज करके लगा लेना है. और उसी तरीके से आपको क्या करना है, बन बना लेना है और आफ्टर 30 मिनट्स उसको हल्के गुनगुने पानी के साथ अपने हेयर को वॉश कर लेना है अपने फेवरेट शैम्पू के साथ, ठीक है. अब जो चौथी रेमेडी मैं बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही अच्छी है. आजकल आप लोग ऐड में देखते होंगे ओनियन का बहुत ज़्यादा कुछ चला हुआ है. ओनियन हेयर ऑयल चल गया है, ओनियन सीरम चल गया है, ओनियन के बहुत सारे शैम्पूज आ रहे हैं, कंडीशनर्स आ रहे हैं. सो ओनियन ही क्यों. सो देखिए ओनियन क्या करती है, वहाँ के भी जो फंगस ग्रो कर रखी है उसको वो निकालने का काम करती है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, एक ओनियन लेना है, एक प्याज लेना है, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और उसको ग्राइंड करके पीस लेना है मिक्सी में. अब क्या करना है, आपको कॉटन के कपड़े की हेल्प से या फिर छलनी में छान के आपको जो आपने पीसा था ओनियन का प्याज का पेस्ट उसमें से आपको रस निकाल लेना है. वही रस जो है आपको अपनी बालों की जड़ों में लगाना है. इससे क्या होगा, आपके बाल जो है स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उसके साथ साथ आपके बाल जो है सिल्की भी बनेंगे, स्मूथ बनेंगे और डैंड्रफ फ्री भी हो जाएंगे. सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी. सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार करके देखिएगा, अपने बालों को डैंड्रफ फ्री बनाइएगा और अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. पहले आप अपनी ये होम रेमेडी है ट्राई करके देखना, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि किसको कितना फायदा हुआ है. अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हेयर्स भी मेरी तरह लॉन्ग हो, जो मैंने एक छोटा सा इंट्रो जो वीडियो का बनाया था उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो हेयर हैं टचवुड काफ़ी ठीक ठाक हैं, मतलब थोड़े से ग्रोथ भी है उनमें और वो थोड़े से थिक भी हैं. सो वो कैसे हैं, वो मैं उनके ऊपर क्या क्या यूज़ करती हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहाँ पे आपको जरूर अपने जो हेयर पे यूज़ करती हूँ जरूर बताऊंगी. सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब.